नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस के जूनियर थर्डी पर। आज झारखंड जीके में पहाड़ी विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जनजाति का सबसे पहला विद्रोह था। तो क्वेश्चन एक से स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? कि झारखंड में प्रथम जनजाति विद्रोह, झारखंड का प्रथम जनजाति विद्रोह कौन सा था? तो पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रथम जनजाति विद्रोह कौन सा था? तो पहाड़िया विद्रोह ए नंबर इसका आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा और इसे याद कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम अगला रिवीजन करते हैं। झारखंड में पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ? तो ये याद रखिएगा, कब से कब तक हुआ पहाड़िया विद्रोह? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1772 से 1782 ईस्वी तक पहाड़िया विद्रोह चला। अब आइए, पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये नेता का नाम बताना है, पहाड़िया विद्रोह का नेता कौन था? तो आप भी अपना आंसर सोच लीजिए और हम अपना आंसर बता रहे हैं, रमना आहाड़िया, आहाड़ी, रमना आहाड़ी। अब आइए फोर नंबर क्वेश्चन, पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी का सहयोग दिया? कहाँ की रानी ने अपना सहयोग दिया? तो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये ध्यान से देखिए, उसके बाद आंसर बोलिए। तो ये आंसर हो जाएगा सी नंबर, महेशपुर की रानी। महेशपुर की रानी ने पहाड़िया विद्रोह में खुलकर सहयोग दिया। ये जनजाति का पहला विद्रोह है झारखंड में, जनजाति समूह का सबसे पहला विद्रोह है अंग्रेज के विरुद्ध, पहाड़िया विद्रोह। अब आइए फाइव नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में किस रानी ने सहयोग किया था? सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेज कंपनी के शासन के विरुद्ध, अंग्रेज कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये आपको डेट बताना है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो चार ऑप्शन देखेंगे उसके बाद अपना आंसर। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, 81 से 82 ईस्वी में, 1781 से 82 ईस्वी में। अब आइए पहाड़िया विद्रोह के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ये छः नंबर क्वेश्चन है कि पहाड़िया विद्रोह की अंग्रेज ने निम्न में से किस विद्रोह को कुचलने के लिए उनकी भूमि को सन 1924 ईस्वी में दामिन ए कोह में परिवर्तित कर दिया? तो ये याद रखिएगा, राल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह। तो पहाड़िया विद्रोह में ऐसा किया गया था। अब आइए सेवन नंबर, दामिन ए को कब घोषणा हुई? दामिन ए को की कब घोषणा हुई थी? तो 1824 ईस्वी में। अब लास्ट क्वेश्चन है इस विद्रोह का, क्या है कि दामिन ए को क्या है? दामिन ए को जो है 1824 में इसको बनाया गया, तो ये क्या है? तो क्वेश्चन का आंसर है, ए नंबर आंसर होगा कि संथाल परगना के पूरे क्षेत्र के सरकारी संपत्ति के रूप में घोषित करना। संथाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषित करना, यही दामिन ए को है। चलिए अब अगला विद्रोह लेते हैं, जो कि तमाड़ विद्रोह। अगला विद्रोह है तमाड़ विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह के बाद कौन सा विद्रोह हुआ? तो तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो हमको डेट जानना है, तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा, 1782 ईस्वी में, यानी पहाड़िया का एंड हुआ और तमाड़ विद्रोह स्टार्ट हुआ 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये याद रखिएगा, चार ऑप्शन में से ए नंबर इसका आंसर होने का होगा। क्या है? ठाकुर भोलानाथ सिंह ए नंबर ऑप्शन होगा। पहाड़िया ये तमाड़ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह। अब आइए तीन नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? तो नागवंशी राजा कौन थे तमाड़ विद्रोह के समय? तो दर्पनाथ शाह। सी नंबर आंसर हो जाएगा, दर्पनाथ शाह। आइए अब अगला देखते हैं, क्या है फोर नंबर क्वेश्चन
1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो चार ऑप्शन है, जेम्स क्राफ्ट, ले कपूर, कैप्टन हैगन और ले नन। तो ये नंबर ऑप्शन होगा जेम्स क्राफ्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका सभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जेएसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए विशेष प्रश्न का संग्रह है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर दो चार ऑप्शन है, विष्णु मानकी, मौजी मानकी, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं, तो आप सी नंबर ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि ये आंसर सही है, यानी विष्णु मानकी और मौजी मानकी, ए बी दोनों आंसर होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। तो कैप्टन हैगन और ले कपूर दोनों को, बी और सी दोनों को भेजा गया था। अब आइए 1797 यानी 1797 ईस्वी में विद्रोह को किस अंग्रेज सेना नायक ने दमन किया, दमन किया मतलब पूरी तरह से ख़त्म किया। तो 1779 में कौन कौन है, हैबिट हैं, हैगन हैं, कूपर हैं, वेल्स हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, वेल्स ने 1797 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह को वेल्स ने ख़त्म किया था। अब आइए 1802 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दुखी मानकी। 1807 ईस्वी में किसने इसका नेतृत्व किया, दुखी मानकी। हमारा क्वेश्चन है नाइन नंबर, क्या कह रहा है, 1807 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, दुखी मानकी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं नाइन नंबर, 1807 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, दुखी मानकी, ये हो गया। अब टेन नंबर, 1807 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दमन किसने किया, तमाड़ विद्रोह का दमन किसने किया, तो टेन का सी हो जाएगा रफसीज, टेन का सी नंबर, विल्किंस है, टेलर है, हेविट है, तो रफसीज हो जाएगा। 1807 ईस्वी में रफसीज ने तमाड़ विद्रोह का दमन किया। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किस वर्ष किया, जमींदारी पुलिस बल का गठन किस वर्ष किया, तो 11 नंबर का आंसर क्या क्या है, 1809, 1861, 1811, 1869, तो क्या आंसर होगा ये ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1809, अंग्रेज ने छोटा नागपुर में शांति स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस की व्यवस्था की है 1809 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1819-20 में किसके नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया, किसके नेतृत्व में 1819-20 में विद्रोह किया, तो ये चार ऑप्शन है, विष्णु मानकी, रुगन, कोंता और बी सी दोनों, तो ये आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर आंसर होगा, यानी बी सी दोनों, बी में है रुग और कोंता, दोनों के सहयोग से ही 1819-20 में क्या हुआ, मुंडाओं का विद्रोह किया गया। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, तमाड़ विद्रोह में रुग और देव और कोंटा मुंडा के संबंध में किस विद्रोह से है, संबंध तीनों का संबंध किस विद्रोह से है, तो रुग है ना, कोंता मुंडा और देव, रुगदेव एवं कोंता मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है, तो 1920 में ये तीनों थे, दोनों थे, तो कोल विद्रोह से संबंधित है, कोल विद्रोह कब हुआ, 1920 में, ये याद रखिएगा। अब अगला विद्रोह है मेरा, अगले वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद, हमारे वीडियो पर नए बने रहिए और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सबसे अधिक शेयर कीजिए और सबसे अधिक लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।